दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड पांडा में स्वागत है आपका। बाजार के जैसे चिक्की चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठेले वाले चिक्की चाट बनाते हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह बनाया है। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप जरूर लगाइएगा। कि बनाने की रेसिपी को देखते हैं। छोले मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले मैंने बॉयल आलू लिए हैं 500 ग्राम, और उसमें मैंने थोड़ा सा पहले चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है, और मैंने नमक डाला है। और अब मैं सबों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। और इधर मैंने पैन को गर्म कर लिया था, अब पैन में मैंने थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर दिया है। आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ता या ग्रीन चिली तो मत डालिएगा, क्योंकि मुंह में आएगा। आपको ग्रीन चिली डालना होगा तो ऊपर से चाट में डाल दीजिएगा। धनिया पत्ता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अभी तो जान रहे हैं बहुत सी चीज़ उपलब्ध नहीं है लॉकडाउन के चलते, तो मैंने छोटी छोटी गोल टिक्की बना के उसे डोनट्स का शेप दिया है, जिसमें वो भीतर से लेकर बाहर तक अच्छी तरह से पक जाए और देखने में भी थोड़े अच्छे लगे। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियों को बना लूँगी। वैसे मैं छोले का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। छोले को मैंने बॉयल कर लिया था, मैंने काबली चना के चना को लिया था, रात भर उसे सॉक कर दिया, सुबह साफ पानी डाल के मैंने उसे बॉयल कर लिया। अब बॉयल करने के मैंने अच्छी तरह से बॉयल किया, जिसमें कि एकदम पूरी तरह से गल जाए। उसे मैंने लगभग 5 से 7 मिनट तक बॉयल किया, और उसके बाद मैंने रेगुलर मसाले के साथ तड़का दे दिया है। वैसे लिंक में भी मैं बार बार बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और अब देखिए, हमने इसी तरह टिक्की को डोनट के शेप में बना बना के डाला है, और साथ में थोड़ा थोड़ा बॉयल ऑयल भी डालते जाइएगा। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टिक्की इतना अच्छे सिके हुए होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी फ्लेवर आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसलिए मेरी तो यही राय है कि आप इसे सेलो फ्राई ही कीजिएगा। हमें इसे दोनों तरफ से उलट के करारे, बिल्कुल करारे कर लेने हैं। आलू को पहले बॉयल करके थोड़ी देर ठंडा कर लीजिएगा। गरम गरम आलू को तुरंत मैश करेंगे तो उससे टिक्की टूटने लगेगी। अगर आपकी टिक्की टूट रही हो तो थोड़ा सा आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आलू को थोड़ी देर ठंडी कर लेंगे केवल रेगुलर टेम्परेचर में, तो बिल्कुल भी टिक्की नहीं टूटेगी। और पैन को, जिस भी पैन में आप सेक रहे हो, उसे अच्छी तरह गर्म कर लीजिएगा। इसी तरह मैंने सारी टिक्कियों को अच्छी तरह से पलट पलट के सेक लिया है। आप लोग घर में ज़रूर इस टिक्की चाट को बनाइए, बहुत ही मज़ेदार है और टेस्टी भी है, और एकदम पेट भरने के जैसा होगा। टिक्की में डालने के लिए मैंने थोड़ा सा दही लिया है, उसके साथ ही मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी ली है, मैंने मसाले वाले सिंगदाना जिसे कहते हैं और मूंगफली कहते हैं, मैंने मूंगफली ली है, और उसके अलावा मैंने बारीक पतले सेव भी लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हैं। और ओनियन को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके पास हों, आप केवल चाहें तो टिक्की छोले और ऊपर से काला नमक और भुने हुए जो मसाले होते हैं जीरा, उसके साथ भी डाल सकते हैं। मैंने छोले को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और अब मैं छोलों को अपनी टिक्की के ऊपर अच्छी तरह से डाल दूँगी। ठीक से डालना है टिक्की के ऊपर छोले को, जिससे कि हमारे टिक्की पूरी तरह कवर हो जाए।
और अब मैं इसके ऊपर दही डाल दूँगी। छोले डालने के बाद बहुत ही क्विक और झटपट रेसिपी। अगर आपके पास छोले तैयार हो तो टिक्की और आलू बॉयल कर लीजिए तो आपकी टिक्की चाट जो है मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बन जाएगी। अच्छी तरह से दही स्प्रेड कीजिए इसके ऊपर। मैंने दही को हल्का नमक डाल के फ्रेड किया था और अब उसके ऊपर मैंने प्याज डाल दिया है। मैंने प्याज को बारीक कटर लिया था। और अब मैं इसमें मीठी चटनी को डाल दूंगी। ये मैंने खजूर इमली की चटनी बनाई है, इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छी तरह से डाल दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चटपटी बनती है टिक्की चाट। और अब मैं इसमें भुने हुए जीरे और लाल मिर्च के पाउडर को डाल दूंगी। इसे ज़रूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भुने हुए जीरे और लाल मिर्च से, भुने हुए लाल मिर्च के पाउडर से। अब इसके ऊपर मैं ब्लैक सॉल्ट डालूंगी। कोई चाट मसाला डालने की जरूरत नहीं, आप इतनी ही चीज़ें डालिए आपकी चाट बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ब्लैक सॉल्ट ठीक से डाल दिया है मैंने। और अब मैं इस पर ऊपर मूंगफली, भुने हुए मूंगफली को डाल रही हूँ। और अब मैंने इसके ऊपर पतले वाले सेव को अच्छी तरह से डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल सकती हैं। अगर यहाँ पर धनिया पत्ता हो तो आप ज़रूर डालिए, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाला है। इतनी भी चीज़ें हैं काफ़ी हैं जो मेरे टिक्की छोले बिल्कुल रेडी टू ईट है। टिक्की छोले चाट ज़रूर बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। टिक्के फ्रेंड्स देखने में कितने टेम्पटिंग और अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग एक बार प्लीज़ ज़रूर बनाइए और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।